दोस्तों, एजुकेशन मोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेस टूल के बारे में। ठीक है, तो प्रेस टूल इन इंडस्ट्री फॉर मेटल कटिंग। ठीक है, तो प्रेस टूल के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाई बेसिकली क्या है। ये एक मेटल फॉर्मिंग मशीन टूल है। ठीक है, बेसिकली जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी मेटल में शेप दे सकते हैं या फिर मेटल को काट सकते हैं, मेटल की शीट को काट सकते हैं। राइट, ठीक है। प्रेस टूल बेसिकली एक असेंबली है, ठीक है, जिसमें डाई, पंच और कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं। राइट, ठीक है, जो किसी शीट को पर्टिकुलर शेप देने के लिए यूज किया जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, एडवांटेज बात करूं तो हाई प्रोडक्टिविटी और हाई एक्यूरेसी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। राइट, ओके, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेस टूल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई हमारे पास दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है कटिंग टूल और एक होता है नॉन कटिंग टूल। तो कटिंग मतलब क्या होता है कि जो कट ऑपरेशन वाला काम करता है, मतलब मेटल को जो काट रहा है पूरे तरीके से। राइट, देखो तो ये जो दो ऑपरेशन आपको नजर आ रहे हैं ये मेटल को कट करने के काम का रहे हैं। राइट, तो ये बेसिकली कटिंग टूल में आने वाला है। लेकिन उसी तरह से नॉन कटिंग टूल, तो ये वाला जो ऑपरेशन आपको दिख रहा है जिसमें बेंडिंग हो रहा है एक रॉड का और एक में फॉर्मिंग हो रहा है किसी शीट का, तो यहाँ पर ये जो हुआ ये नॉन कटिंग टूल में आएगा। राइट, ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो डिटेल में देखते हैं कटिंग टूल और नॉन कटिंग टूल को। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। कटिंग टूल होता है ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, शेयरिंग, क्रॉपिंग, नॉचिंग, ट्रिमिंग, कंपाउंड टूल। ठीक है, इसी तरह नॉन कटिंग टूल जो होते हैं, जो नहीं कर रहा लेकिन उसके शेप को चेंज कर रहा है, वो होता है बेंडिंग, फॉर्मिंग, ड्रॉइंग और रोलर टूल। ओके, चलो एक एक करके समझते हैं कौन सा टूल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ब्लैंकिंग टूल। ब्लैंकिंग टूल मतलब क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं किसी शीट की बात करूं तो शीट में से अगर मैं किसी पोर्शन को कट कर रहा हूं, इसका मतलब वो जो कटिंग पोर्शन है वो हमारा मेन पार्ट हुआ, दैट्स व्हाई वो ब्लैंकिंग टूल कहलाएगा। ठीक है, ओके, पियर्सिंग टूल की बात करें तो पियर्सिंग टूल क्या होता है कि भाई अगर मैं किसी शीट में से किसी पोर्शन को काट रहा हूँ, कटिंग पोर्शन जो रहेगा वो स्क्रैप रहेगा। तो बेसिकली देयर इज अ सिमिलैरिटी ब्लैंकिंग टूल और पियर्सिंग टूल के बीच में, सिमिलरिटी है। ठीक है, ओके, तो पियर्सिंग में जो कटिंग पोर्शन है वो स्क्रैप रहेगा। शेयरिंग की बात करें तो शेयरिंग मतलब बेसिकली एज से मैं किसी चीज को काट रहा हूं, है ना, किसी चीज को मैं एज से काट रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। ओके, क्रॉपिंग की बात करते हैं तो क्रॉपिंग मतलब किसी शीट को किसी हिस्से से काटना, किसी भी तरफ से काटना, क्रॉप करना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रॉपिंग टूल। ठीक है, जब हम लोग उसको डिजाइन करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। नॉचिंग मतलब क्या होता है, नॉच मतलब उसके किसी पोर्शन को कट करना। ठीक है, किसी पोर्शन को कट करना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई उसको नोचिंग कहेंगे, ताकि हम लोग उसके शेप को चेंज कर सकें। ट्रिम टूल मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कोई अनफिनिश्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर से कुछ फ्लैशेस टाइप निकला हुआ है या कुछ शीट्स अनवांटेड मटेरियल निकला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिमिंग डाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को बना सके, फिनिश कंपोनेंट को बना सके। ओके, कंपाउंड टूल की बात करें तो भाई जिसके अंदर ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों ऑपरेशन रहेंगे उसको हम लोग कंपाउंड टूल बोलेंगे। तो दोनों ऑपरेशन का इस्तेमाल करके जो हम लोग डाई क्रिएट करते हैं उसको बोलेंगे कंपाउंड टूल। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन कटिंग टूल की। नॉन कटिंग टूल में सबसे पहला है बेंडिंग टूल। तो बेंडिंग टूल में बेसिकली हमने एक असेंबली का इस्तेमाल किया। इस असेंबली में एक रॉड की बेंडिंग को कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक रॉड की बेंडिंग को मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे बेंडिंग टूल। ओके, फॉर्मिंग टूल की बात करें तो बेसिकली किसी साइज को या फिर किसी शेप को फॉर्म करने के लिए जो टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म टूल। ओके, ड्राइंग टूल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पानी पीने के लिए जो ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ना, वो ड्रॉइंग टूल से बना होता है, जिसको हम लोग डीप ड्रॉ टूल भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर कुछ कैलकुलेशन होती है। ओके, रोलर करें तो रोलर से हम लोग कुछ शीट के ऊपर पैटर्न वगैरह भी क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ किसी मेटल के शेप को भी हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अगर मेटल के शेप को हमको चेंज करना है, कंप्रेस करना है, तो रोलर टूल का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।